गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास नाइन्थ में क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग तरीके से आता है, बोर्ड जिस तरह से हम लोगों को भेजता है उसी तरह से हम तैयारी कराना चाहते हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन जो आता है चार खंडों में, जिसमें पहला खंड रहता है अपठित अवबोधनम, इसमें एक अनुच्छेद रहता है जिसको पढ़ के उसका पूरा हिंदी जानिए, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है उसको बनाना है। वो 5 मार्क्स का रहता है या 10 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, वो बोर्ड के साइड से आता है, तो वो भी आपको बनाने का तरीका हम बताएंगे। दूसरा खंड हुआ रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में 2-3 तरह का क्वेश्चन रहता है। नंबर 1 पत्र लेखनम, दूसरा चित्र वर्णनम, और तीसरा संस्कृत में अनुवाद। पत्र में 5 नंबर, चित्र वर्णन में भी 5 और इसमें भी 5, तो 15 नंबर का रचनात्मक कार्यम, और अपठित अवबोधनम भी 5 मार्क्स का रहता है, अनुच्छेद इसको भी 5 नंबर। तो इतना दिन तो हम पढ़े थे पठित यानी बुक का पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, तो ये दोनों तो हमारी पढ़ाई हो रही है, चल रही है, जान गए हैं फर्स्ट पीरियडिक तक हमको कितना पढ़ना है, सब हम लोगों ने पढ़ा दिया आपको। अब उसके अलावा हमको किस तरह से आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, तो कुछ अपनी बुद्धि विवेक से भी हमको कुछ बनाना है, करना है, इसके लिए ये कुछ ये जो अपठित अवबोधनम है इसके बारे में हम जानें। अपठित अवबोधनम अनसीन पैसेज, इसको एक आज हम बना देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद आप घर बैठे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज आइए हम बताते हैं अपठित अवबोधनम का एक अनुच्छेद, ठीक है। तो इसमें है कि एक अनुच्छेद हम बता देते हैं, जैसे ये अनुच्छेद रहेगा आपको, एक अनुच्छेद इस तरह का, दूसरा भी अनुच्छेद होगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इस जो इस, जिसका आंसर इसमें रहेगा, वो इसमें से ढूंढ के निकाल के लेना है और सारा क्वेश्चन बना लेना है, और इसमें मार्क्स 5 मार्क्स है दिया रहता है। हाँ तो स्टूडेंट, आज हम एक अनुच्छेद को पढ़ा के समझा देते हैं और उस पर क्वेश्चन बनाने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं और अपने से अब बनाने की क्षमता रखिए, इस वजह से आपको हम पहले एक समझा के दूसरा आप खुद घर में बनाइएगा। हर मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग जानना ज़रूरी है इसके लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस पहले इसका समझा देते हैं। एकस्मिन ग्रामे एक व्याधः वसति स्म। एक गांव में एक शिकारी रहता था, तस्य नाम भैरवः आसीत्, उसका नाम भैरव था। सः जीविकार्थं पशुन हत्वा नगरे विक्रीणति स्म। वह अपनी जीविका पालन के लिए पशु का हत्या करके नगर में बेचता था, वो जीविका था उसका, वो रोज दिन अपना उसका हत्या करके शहर में जाके बेचता था, वही उसकी जीविका थी। एकदा सह एक बार वह आखेटाए शिकार करने के लिए वनम अगच्छत, बन गया। तत्र तेन एक मृग दृष्ट, वहाँ पर उसने एक हरिण को देखा, मृग को देखा। सह तम मृगम अमारियत, उसने उस मृग को मारा, हिरण को मारा। तम च नीत्वा गृहम प्रति अचलत, और उसे लेकर अपने घर की ओर आने लगा। तदेव स्व मार्गे एक सिंहम, वहीं वह रास्ते में एक सिंह भी, जब वह आ रहा था घर तो रास्ते में उसने एक शेर को भी देखा, सिंह को भी देखा। तम सिंहम दृष्ट्वा स्वचंते अचिंतयत, उस शेर को देखकर वो सोचने लगा, व्याघ को देखकर उसने सोचने लगा, वह सोचने लगा, यदि ऐसा सिंह अपि प्राप्त भवेत तहि अहम प्रभुतम धनम प्राप्स्यामि, यदि इस सिंह को भी मैं मार लूँगा तो, और इसे बेचूँगा शहर ले जाकर, तो मैं और मुझे और धन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा। ऐसा उसके मन में लोभ आ गया कि एक तो वो पशु को मार के ले जा ही रहा था, दूसरा भी वो सोचा कि इसको भी मार देंगे और इसे भी ले जाकर हम बेचेंगे तो और सारा धन होगा, उसके मन में लोभ आ गया। अनेन लोभेन यावत, उस लोभ से वह सिंह वह
सिंहम प्रतिसरम अछिपत, वह शेर को मारने के लिए अपना बाण निकाला। सरम मीन्स बाण निकाला, अछिपत फेंका शेर को मार। तावत एव सिंह, जैसे ही वो बाण निकाला और फेंकना चाहता था उस पर शेर को मारने के लिए, तब तक तावत एव सिंह अपि व्याधम आक्राम्यत, वो शेर भी उस पर आक्रमण किया, वो व्याधा पर झपट पड़ा शिकारी पर। सौ व्याधा च तदा पंचतत्व गत, और वह व्याधा तुरंत तत्क्षण वही पंचतत्व यानी मर गया। ये कहानी है, सार है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको बताते हैं कि एक पद इन उत्तरत अगर जहाँ रहेगा तो हमको एक पद में ही उत्तर देना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर लिख दीजिएगा, नहीं। एक पद इन उत्तरत यानी एक ही पद में शब्द में उत्तर देना। व्याधः कुत्र वसति स्म, एक बता देते हैं हम आपको, व्याधः कुत्र वसति स्म, तो व्याधः कुत्र में ग्रामे वसति स्म, गांव में रहता था। एक पद, बस एक शब्द। सा आखेटाए कुत्र गच्छत, वह शिकार के लिए कहाँ जाता था। कुत्र मने कहाँ, तो आखेटाए बनम गच्छत, यहाँ भी एक शब्द में हो गया आंसर। दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण मने संपूर्ण, पूरे सेंटेंस में आपको आंसर देना, पूर्ण वाक्यन उत्तर। तो नंबर एक, सिंहम दृष्ट्वा व्याघ्र किम अचिंत्यत, शेर को देखकर वो व्याधा, व्याधा माने शिकारी, क्या सोचा। तो इसको यहाँ पर आंसर है कि तम दृष्ट्वा, उस शेर को देखकर वो सोचा, यदि ऐसा सिंह अपि प्राप्त, इस शेर को मैं अगर प्राप्त कर लूँ भवेत, तदि अहम प्रभुतम धनम प्राप्स्यामि, अगर इस शेर को भी मैं ले लूँगा, हत्या करके लूँगा, तो इसे भी बेचकर मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर सकता, यही उसने उसके मन में आ गया। तो यही इसकी यहाँ पर अचिंत्यत मतलब सोचा। तो ये आंसर वहाँ से यहाँ तक पूर्ण वाक्यन है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। अनेन किम अभवत, अंते किम भवत, अंते स अंते, अंत में क्या हुआ, अंत में यही हुआ, स व्याध पंचतत्वम गतो, वह व्याध मर गया। अब भाषिक कार्य, भाषिक कार्य जो है ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन होता है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसको समझना है कैसे हमको। तो क्रीणाति क्रीणाति असि पदस क विपर्य अत्र दत्त, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, तो पहले इसका मीनिंग हम जानेंगे तब ना इसको ऑप्शन हम का उपयोग करेंगे। क्रीणाति मने खरीदना, तो इसका विपर्य, विपर्य मने उल्टा, विलोम, तो क्रीणाति क्रीणाति विक्रीणाति, ये इसका आंसर होगा विक्रीणाति। तम च नीत्वा गृहं प्रति अचलत, अस्मिन् वाक्ये तम पदम कस्मे प्रयुक्तम, इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा ना, जो एक सेंटेंस में आप दिया रहेगा, अस्मिन् वाक्ये तम पदम कस्मे प्रयुक्तम, कस्मे पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि किस विभक्ति में हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी विभक्ति में हमको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर तम च नित्वा, किसको लेकर, वो कि भैरव जो था वो पशु हत्या करता था, तो किसको, मृग को लेकर। तम च नित्वा गृहम प्रति, अपने घर की ओर जा रहा था। असिन वाक्य तम पदम कस्मे प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त है, तो मृगाय, मृग के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया कस्मे है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति, कस्मे में चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति का ही आंसर होगा। अनुच्छेदे अचिंत्यत इति क्रियाया कर्ती प्रदम किम, अब अनुच्छेद में देखना है कि अचिंत्यत पद, ये अचिंत्यत क्रियाया शब्द है, क्रिया शब्द है, क्रिया धातु रूप में जो आता है वो क्रिया शब्द होता है, शब्द रूप में जो आता है वो कर्ता रूप होता है। इति क्रियाया कर्ती प्रदम किम, इसका कर्ता कौन है, ये अचिंत्यत कौन सोचा, तो तम है, सिंह है, दृष्टवा है, स, तो स, क्योंकि यहाँ स स अचिंतयत, यहाँ स करता है, यानी स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामे इत्यस्य विशेष्यस्य अनुच्छेदे विशेषणम किम, ग्रामे जो शब्द है ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है, अनुच्छेदे, इस सारा क्वेश्चन को आपको अनुच्छेद में ही ढूंढना है। तो ग्रामे, तो एकस्मिन ग्रामे, तो यानी एकस्मिन, इसका विशेषण हो गया।
अस्या कथाया समुचितम शीर्षकम लिखत, इस कथा का शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक में ये नहीं जरूरी है कि हम जो बोलेंगे हम जो समझेंगे वही होगा, इससे रिलेटेड आपको जो शीर्षक समझ में आ रहा है वो आप दे सकते हैं। जैसे इसमें आगे इसमें यही है कि लोभी लोभी व्याध है, हाँ व्याध मने शिकारी, लोभी शिकारी वही हुआ। और भी कुछ दे सकते हैं जिसको जो समझ में आए। तो इस प्रकार से ये एक अनुच्छेद हुआ और इस अनुच्छेद को हमको समझना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको इसमें से ढूंढ कर बनाना है। ये अनसीन पैसेज, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पढ़े रहेंगे, ये आपको बिना पढ़ा हुआ में से करना है। और इसी तरह आप तैयारी घर में बैठ के दूसरा पैसेज का भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।